हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। आज हम बात करते हैं जेड प्लांट की, जिसे हम लकी प्लांट भी बोलते हैं, जिसको रखने से हमारे घर में गुड लक आता है। इस सुंदर से दिखने वाले पौधे की केयर के बारे में यदि बात करें तो इसे बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है जिससे इसमें प्रॉपर ग्रोथ होती रहे। पहली बात तो इसमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इसमें ज़्यादा पानी डालने से इसकी जो रूट हैं वो गलने लगती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। दूसरी बात कि ये कहने को इंडोर प्लांट है, लेकिन इसको धूप की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है। आप इसको सनलाइट में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस के लिए आप इसमें चाय पत्ती का पानी या फिर कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है। इसको हम पानी में घोल लेते हैं। ये पानी में घोल लिया। पानी में घोलने के बाद इस लिक्विड को हम इसमें डाल देते हैं। महीने में एक बार ये फर्टिलाइज़र काफ़ी है, जो कि जेट प्लांट को काफ़ी हरा भरा बना देता है। इसके बाद इसे लगाने की क्या प्रोसेस है, तो इसे दो तरह से लगाते हैं। या तो आप लीफ से लीफ कट करके लगा लीजिए, या फिर इसके स्टेम कटिंग से भी ये लग जाता है। लीफ की कटिंग से लगाने के लिए इसमें से आप इस तरह से पत्ती तोड़ लें और इसको सॉइल मिक्स में इस तरह से हल्के से लगा दें। इसमें हल्का सा पानी डालते रहें, ज़्यादा पानी ना डालें। 20 से 25 दिन बाद आप इसका अपडेट देखिए। इसमें छोटे छोटे से प्लांट निकलना स्टार्ट हो गए हैं पत्तियों में से। थोड़ा बड़े हो जाने के बाद इनको मैं पॉट में शिफ्ट करूँगी। एक महीने के बाद आप प्लांट की ग्रोथ देखिए। प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका स्टेम भी ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है। 2 से 3 महीने के बाद आप प्लांट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, तो ये थी जेड प्लांट के बारे में थोड़ी कुछ केयर टिप्स, जिनको आप यदि फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट भी हरा भरा और घना बना रहेगा। ये देखिए जेड प्लांट, काफ़ी खूबसूरत प्लांट।